अभी जब से 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई, वर्तमान में कानून बनाए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, यूनिवर्सिटियों में, डिग्री कॉलेजों में पढ़ाइयाँ चालू हुई, मतलब सारा फोकस जब इधर से होना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये इंडस्ट्री की अहमियत, पावर सरकारों को भी समझ में आने लगी, नीति नियंताओं को, नीति आयोग के लोगों को, तो आप देखेंगे कि उस तरह की चर्चाएं भी हमारे यहाँ पर रेगुलर होने लगी। और मतलब आप देखेंगे कि रेगुलर हमारे चाहे वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्री या डायरेक्ट सेलिंग का फेयर मंत्री, आप देखेंगे न्यूज मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा बड़ा मीडिया, मतलब वो इसकी बात की चर्चा करने लगे कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रबुद्ध लोग, बहुत बड़ी संस्थाएं, और हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो तो अभी उसका परिणाम ये है कि भारत में अभी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ रेट में है, मतलब बहुत ही शानदार ग्रोथ रेट में है। बस ये लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिनको ये बात समझ में नहीं आती, उनको अभी भी नहीं आती है, आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया की आदत है वो टीवी से, अखबार से प्रभावित होते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खबरें टीवी में नहीं आती, अखबार में नहीं आती, ये बाजार में नजर नहीं आता, ये तो जब आरसीएम की या सिस्टम की मीटिंग होती है वहीं ये दिखाई देता है। तो बिल्कुल आपको, लेकिन आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां, मिनिस्ट्रीज, रिपोर्ट्स ये बात कह रही है, और बहुत मतलब ऑथेंटिकेटेड तौर पे कह रही है कि इंडिया 2037 के पहले पहले पूरे विश्व में सबसे बड़ा टर्नओवर देने वाला कंट्री बनने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, जो भारत काफी नीचे के नंबर पे था, अब वो कंट्री नंबर 1 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड बनने जा रहा है। और ये 138 करोड़ देशवासियों या 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रहा है। और मैं आपको बहुत खुले दिल से कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की रफ्तार जो आज बनी हुई है, इसको रोकना अब नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव है। और अब ये बहुत तेजी से, क्योंकि सबका फोकस इधर आ चुका है, सबको समझ में आ चुका है, और बल्कि मैं और ठीक से कहना चाहूं, जैसे जैसे हमेशा आपने देखा कि युग परिवर्तन होते हैं, तो ये युग परिवर्तन की आंधी है, और युग परिवर्तन की आंधी जब भी आती है ना, तो उससे कोई बच नहीं पाता। देखो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, युग परिवर्तन की आंधी से कोई भी नहीं बच पाता है। आप अगर, मैं बहुत लंबा तो नहीं जाना चाहता, लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन आप याद करो उस युग को कि जब प्लास्टिक का युग आया, प्लास्टिक की शुरुआत हुई, तो आज आप गौर करो कि कौन है जो प्लास्टिक से बच पाया। और आखिरी में फिर मोबाइल का युग आया, बीच के बहुत सारे युग है, मैं सबकी चर्चा नहीं करना चाहता, तो मोबाइल के कौन मोबाइल से बच पाया। जब कोई आंधी आती है, युग परिवर्तन की आंधी जब आती है, तो वो किसी को छोड़ के नहीं जाती है। बस अंतर यही है, कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को समझकर उस अपॉर्चुनिटी को अवसर में बदलते हैं, और कुछ लोग उसके कस्टमर बन के रह जाते हैं या उसमें दूसरों को कमाई देने वाले बन जाते हैं। और ये बात बहुत बड़े लेखक की, जो कि इंटरनेशनली रिनॉर्ड है, उनका ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रिच पीपल वो हमेशा नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं, कुछ लोग पैसा खर्च करके नेटवर्क बनाते हैं, और आप लोग काम करके नॉलेज लेके नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपके सामने एग्जाम्पल रखूँ, दूध बेचने वाला कभी अमीर नहीं बनता, लेकिन अमूल ने नेटवर्क बनाया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जोमेटो और स्विगी का जो एग्जाम्पल है, उन्होंने एक रेस्टोरेंट नहीं खोली, लेकिन आज अपने नेटवर्क के दम पर वो बहुत नंबर 1 बन गए। ओला ने बिना कोई अपनी टैक्सी खरीदे वो नंबर 1 बन गए। ओयो का आपके सब एग्जाम्पल, और एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आरसीएम में चुना, ये पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे यानी, और आज आरसीएम में नेटवर्क के बनाकर इन्होंने भी और कुछ नहीं किया, नेटवर्क बनाया, अपने को परिवर्तन किया। देखो नेटवर्क मार्केटिंग न केवल हमारे देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, और खास तौर से भारत खास के लिए बहुत बहुत बड़ी उम्मीद की, आशा की किरण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है भारत, युवा लोगों का देश है, और युवा लोगों की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने की जो बात है वो कोई डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, तो वो बहुत बड़ा है। और वर्ल्ड वाइड जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखते हैं हम, तो उसमें इंडिया सबसे कमजोर कंट्री पड़ता है। मतलब इंडिया में आप देखेंगे तो यूएसए देखेंगे, रशिया देखेंगे,
ब्राजील देखेंगे, लेकिन इंडिया में 46% लोगों के पास रोजगार है। ये तो आंकड़े पहले के हैं, आज अगर कोविड के बाद की सिचुएशन देखेंगे तो शायद इन आंकड़ों में और कुछ भयावहता मिलेगी, क्योंकि डाटा जब तक के मिलते हैं हम वही दे पाते हैं आपको। तो ये और ये एक अवसर के रूप में बनता है। तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड का हाईएस्ट टर्नओवर करने वाला कंट्री बन के मतलब दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहा है, और ये बात 2037 के बारे में मतलब घोषणाएं भी हो चुकी है आधिकारिक तौर पे। और अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो ही ऑल ओवर द वर्ल्ड की सिचुएशन, लेकिन अब जो बात मैं करूँगा आरसीएम के बारे में, वन ऑफ द बिगेस्ट एमएलएम कंपनी इन द कंट्री, बहुत डिटेल में इस विषय में नहीं जाऊँगा क्योंकि आज का विषय मेरा अलग है, जिसके पास में 43 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है और 22 साल का डायरेक्ट सेलिंग का, एमएलएम का, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, जिसने अपने अनूठे प्रयासों से डायरेक्ट सेलिंग को एक नई पहचान दी, नई परिभाषा दी, नए आयाम तैयार किए, नए मुकाम तैयार किए, पूरी डायरेक्ट सेलिंग को एक रेपुटेशन दी। उस आरसीएम के नंबर वन होने का मैं आपको मेरी तरफ से अपने तथ्य रखता हूँ। और अब यहाँ आगे क्या आगे देखो, आरसीएम अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के मामले में आरसीएम सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में नंबर वन है, मतलब वो सभी जगहों उत्तराखंड और गुवाहाटी के प्लांट और हेड ऑफिस या मतलब अपने मेन ऑफिस सेटअप के मामले में वो नंबर वन है। और डिलीवरी सिस्टम वितरण व्यवस्था के मामले में 160 डिपो, 10,000 वंडर वर्ल्ड वंडर क्विक वे और डिस्प्ले वाल जैसा एक यूनिक कंसेप्ट, इसके मामले में हम लोग नंबर वन है। और इस तरह की यूनिक डिलीवरी सिस्टम के मामले में हम नंबर वन है। और ग्रोथ के मतलब रेगुलर कंसिस्टेंट ग्रोथ के मामले में हम नंबर वन है, यानी हम सबसे बड़ी कंपनी होने का हक रखते हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, सबसे बड़ा सिस्टम हमारे पास है। आंकड़ों के साथ बात करूं मैं और डिटेल में तो आंकड़ों के साथ हम बेस्ट हैं, नंबर वन है। विजन के साथ बात करूं तो विजन के मामले में आत्मनिर्भर भारत, स्वास्थ्य, रक्षा और स्वावलंबन जैसे 20 साल पहले दिए गए नारे आज की जरूरत है, तो विजन के मामले में हम बेस्ट हैं। और अभी तो हम आज आपके साथ बात डिजिटली कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली जब हमारी मीटिंगें हुआ करती तो ऐसा ह्यूज एंड मतलब इंडिया की टॉपेस्ट मीटिंगों के मामले में भी हम लोग नंबर वन हैं। और मतलब हमने इन अपनी मीटिंगों की ताकत पर बहुत सारी कंपनियों को पछाड़ा है। बस आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ साथियों, हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो आरसीएम में मात्र एक प्रोडक्ट था, कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई ऐसे बड़े एग्जाम्पल नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा कोई बड़ा सेटअप नहीं था, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो हम लोगों की मेंटेलिटी उस समय की मेंटेलिटी है। लेकिन आज हमें इस नए परिप्रेक्ष्य में एकदम नई मेंटेलिटी के तरीके से सोचना है, और जिसे मैंने नाम दिया न्यू माइंडसेट। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक मोबाइल खरीदने की बात आई तो मैंने बेटे को बोला, तो बेटे ने कहा पापा अब तो 4G भी नहीं, अब तो 5G लेना पड़ेगा, क्योंकि लेटेस्ट अब 5G का जमाना आ रहा है। तो मेरे दोस्तों अब हमें भी अपने माइंड सेट को 5G में कन्वर्ट होना, क्योंकि जमाना अब कुछ अलग आ रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग के मामले में बहुत सारी बातें नहीं हो रही है, और मैं आपको एक इंटरनल और पर्सनल बात बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारी कंपनियाँ, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े प्लेयर इस इंडस्ट्री में घुसने वाले हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन की सिस्टम आने वाले हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि 2025 के पहले आप अपने आप को कितना अपग्रेड कर सकते हैं, कितना बड़े मुकाम पे जा सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। आपको ध्यान होगा कि जब ज्वेलरी इंडस्ट्री बढ़ती है तो लोग ज्वेलरी में कूदते हैं, जब प्रॉपर्टी लाइन बढ़ती है तो लोग प्रॉपर्टी लाइन में कूदते हैं, अब डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है तो लोग डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारी कंपनियां आएंगी, बहुत सारे बातें आएगी, तो आप अगर उससे पहले अपनी पोजीशन बनाते हैं इट्स अ ग्रेट सिचुएशन फॉर यू। और फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा ये होता आया है, और मैं आरसीएम में अपने अनुभवों से देख रहा हूँ, 3 तरह के लोग इस बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग में कहूँ या आरसीएम में कहूँ आते हैं। पहली किस्म के लोग जो इस बिजनेस को लॉटरी समझते हैं, मतलब वो उनको लगता है कि पहले जो लोग आए और जो लोग टॉप लेवल पे पहुंच गए, जो आज करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, उन लोगों की तो लॉटरी लगी है, उनकी किस्मत जोरदार थी इसलिए उनका चला, ये उनकी एक कन्फर्म मेंटेलिटी रहती है।
दूसरी तरह के लोग जो मिलते हैं वो सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छे लोग आ जाएंगे और मैं इस बिजनेस में चल जाऊंगा। वो मतलब हमेशा इसी संभावना में रहते हैं। मुझे प्रायः लोग अपनी बातचीत में कहते भी रहते हैं, सर आपकी बात, मेरा बिजनेस बहुत शानदार चलेगा, मुझे अच्छे लोग मिल गए। मतलब ये मतलब प्रॉपर मेंटेलिटी नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन दोस्तों तीसरी तरह के लोग आते हैं इस बिजनेस में, जो इस बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ाते हैं, इस इंडस्ट्री को एक करियर के तौर पे देखते हैं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ करियर के तौर पे प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को वो सीखते हैं और सिखाते हैं, वो मदद लेते हैं और मदद देते हैं। वो हर एंगल से इस बिजनेस के प्रति कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। वो इसको एक इंडस्ट्री के तौर पर देखते हैं, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, वो इसको एक प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं। वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, टीम के डेवलपमेंट पे काम करते हैं और उन्हीं के दम पर ये इंडस्ट्री आज इस मुकाम पर है। तो और मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल व्यूज बात करूं तो आरसीएम को मैं ग्रेटेस्ट बिजनेस ऑन अर्थ मानता हूँ। ये एक मिरेकल बिजनेस मानता हूं मैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं गोल्ड प्लान का नाम देता हूं, क्योंकि मैं जो बातें इसमें मैं देखता हूं, जिस तरह की चीजें मैं आज इसमें देख रहा हूं, मतलब ऐसी प्रोडक्ट रेंज, मतलब जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती डायरेक्ट सेलिंग में, वो प्रोडक्ट रेंज का आना ये मिरेकल और गोल्ड प्लान हो सकता है। कि जिस काम से मतलब 65 लाख करोड़ का कारोबार लगभग बिचौलिए जिन प्रोडक्टों का कर रहे हैं और जिसकी वजह से 32 लाख करोड़ रुपया मतलब बिचौलियों के घरों में जा रहा है, उन प्रोडक्टों को ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाली ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है। और ये अपने आप में गौरव और गर्व की बात है, गरिमा की बात है। हम अगर इस बात को थोड़ा सा ठीक से समझें, सीरियसली समझें, तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है और हम भारत की व्यवस्था बदल सकते हैं, बिचौलियों की जगह मार्केट को डायरेक्ट सेलिंग के हाथ में ला सकते हैं। आरसीएम वो कंपनी है जिसने सामान को सम्मान में बदल दिया। बाजार के सामान केवल सामान होते हैं, लेकिन आरसीएम के सामान तो हमारे लिए सम्मान है, क्योंकि यही हमें आरसीएम के बड़े बड़े लेवल दिलाते हैं। ये खरीदारी अब खरीदारी नहीं बल्कि खुददारी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, हमारी किस्मत का प्रोडक्शन है, हमारी तकदीर का प्रोडक्शन है, हमारे भविष्य का प्रोडक्शन है, हमारे फ्यूचर का प्रोडक्शन है, हमारी कामयाबी का प्रोडक्शन है। अरे बाजार की साबुन तो केवल तन का मैल मिटाती है, पर आरसीएम की साबुन तो तन का मैल भी मिटाती है, मन का मैल भी मिटाती है, जिंदगी को भी चमकाती है, गरीबी को भी हटाती है, गरीबी को जड़ मूल से हटाती है। ऐसे मतलब एक से एक बढ़ के बातें मैं बोल सकता हूँ। और आरसीएम की जो खास विशेषता है, ये अपने आप में इसमें कुछ यूनिकनेस है, यूनिकनेस है इसकी, जो यूएसपी है, इसका जो डीएनए है, उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके दिमाग में कभी किसी के साथ कंपैरिजन की बात ही नहीं आएगी। क्योंकि जो काम आरसीएम कर सकता वो कोई और कर ही नहीं सकता। पूरे भारत के हर कोने में कोई कंपनी जा सकती है, कश्मीर से कन्याकुमारी कच्चे, तो उसका नाम है आरसीएम। ये इसकी यूएसपी है, उसके पीछे मतलब यू समझ लो गोल्ड प्लान कहूंगा मैं तो। पूरे भारत की जनसंख्या जिसके प्रोडक्ट अपना सकती है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग में कहीं नहीं बड़ी, वो उसका नाम है आरसीएम है। मतलब इसके प्रोडक्टों की खास बात है कि वो दैनिक उपयोगी, यानी जो हमें डेली पहले से यूज कर रहे हैं वही होते हैं। दूसरा, 100% स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, उच्च गुणवत्ता के होते हैं और वाजिब कीमत के होते हैं। ये इसकी एक ऐसी यूनिकनेस है जो शायद, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको पढ़ा लिखा, अनपढ़, महिला, पुरुष, मतलब कोई भी, एनी बडी कर सकता है। और ये वो बिजनेस है जो गांव ढाणी, मतलब जहां पर चाहे अमेजन नहीं जा सकता, जहां फ्लिपकार्ट नहीं जा सकता, जहां पर रिलायंस जियो नहीं जा सकता, जहां पर अब भारत सरकार की रेल की पटरी नहीं जा सकती, जहां पर मतलब कोई नहीं जा सकता, वहां पर आरसीएम बिजनेस जा सकता है। और बिना पूंजी के ये लोगों को करोड़पति बनाने के एग्जाम्पल क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात है, मतलब मैं मेरी एंगल से देखता हूँ, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो मिशन है, पर भारत को भारतीय नैतिक मूल्यों के आधार पर विकसित करना जानती है, उसका नाम है आरसीएम। मैंने देखा है इधर उधर का रंग भी, लेकिन भारत को भारतीय नैतिक मूल्यों के आधार पर विकसित करना जानती है, वैल्यूज और सिद्धांतों के आधार पर। और भारत के समझने की बड़ी बात है, 75% पॉपुलेशन भारत की कम पढ़ी लिखी है,
70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, 90% पॉपुलेशन यहाँ की मिडिल क्लास है, और अभी कोविड के बाद की जो इफेक्टिवनेस है 40 करोड़ लोगों की जिंदगी में, चाहे वो बिजनेस बैकग्राउंड से हो, नौकरी बैकग्राउंड से हो, कहीं कहीं चाहे इनकम को डिफेक्ट होना, बिजनेस का इफेक्ट होना, वो इफेक्टेड हुई है। मतलब मोटे तौर पर मैं बात करूं तो 7 लाख गांव वाला देश और 65% संख्या जिस देश की गांव में रहती हो, उससे गांव की रग रग को और नस नस को अगर कोई जानता है तो उसका नाम है आरसीएम। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आरसीएम को यूनिक बनाती है, आरसीएम की। और 20 सालों में कंपनी ने अपने आधार को इतना मजबूत कर लिया है मेरे दोस्तों, कंपनी का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, डिलीवरी सिस्टम देखें, ऑफिस सिस्टम देखें, सॉफ्टवेयर सिस्टम देखें, मैनेजमेंट सिस्टम देखें, एनीथिंग यो आप कुछ भी देखें, 20 सालों में कंपनी ने अपने सभी आधार को इतना मजबूत कर लिया है कि आप अपनी कामयाबी की इमारत को 100 मंजिल ले जाए, आसमान तक ले जाए, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, प्रोडक्ट की सीरीज रेडी है, और प्रोडक्ट आते हैं और डिपो खुलते हैं, मतलब एवरीथिंग इज रेडी। और आप देखेंगे कि कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर बहुत शानदार काम किए हैं, प्रोडक्शन को लेकर शानदार किए हैं, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, लीगल मैटर को लेकर, अकाउंट्स को लेकर, बस मार्केटिंग की जो बात है वो हमारा काम है, नेटवर्किंग और नेटवर्क कैसे बनाना ये सब। और हमारे पास उसके लिए भी यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जो पूरे मतलब टीम की मदद करता है। बस जरूरत है कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। और अब यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि इतने प्रोडक्टों के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आप हैं, मैं हूँ, वी आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ आरसीएम, क्योंकि हमारे दम पर इस रोशनी को हम कहाँ तक फैलाएंगे। और उसके लिए जरूरत होती है पर्सनल डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट की, और ये दो काम अगर हमने कर लिए तो आरसीएम को दुनिया में नंबर वन होने से कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। वापस रिपीट कर रहा हूँ मेरी बात को, पर्सनल डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट के ऊपर आपने अगर बड़ा काम कर दिया तो आरसीएम को नंबर वन होने से कोई रोक नहीं सकता। जो कहने को बहुत साधारण सी बात है, देखो चीज़ें सिंपल होती है पर इजी नहीं होती जब तक आदतें ना बदले। भाई दुकान बदलनी है, खरीदारी के सामान बदलने हैं, संगत बदलनी है, सिस्टम बदलना है और सोच बदलनी है, जिंदगी तो खुद ब खुद बदल जाएगी। लेकिन ये सब बदलने के लिए हमें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ता है, अपनी नज़रिया बदलना पड़ता है। आपके सामने एक सटीक एग्जाम्पल, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रख सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक सटीक एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि ये एक तस्वीर है भारत के आम आदमी की, भारत के उस ओरिजिनल आदमी की जो भारत का आदमी है, जिसका जब वो अब अगर आप देखें तो ये वो चेहरा मिस्टर प्रहलाद मेघवंशी के रूप में स्टार सफायर के लेवल पर आकर इस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो दोस्तों हिंदुस्तान के एक एक आदमी तक आपको मेरी आवाज़ पहुंचानी है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर इसकी किस्मत बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती, इसकी ज़िंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती, और अगर ये सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता, ये सेल्फ डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट का उदाहरण बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। दोस्तों हमें विचार करना होगा, हमें अपने आप को जगाना होगा। हम अपने आप को नहीं जगाएंगे तो फिर बात नहीं है। मेरी दुनिया में दोस्तों कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। आपके सामने पिछली स्लाइड मैंने दिखाई है, बात दुकान बदलनी है, खरीदारी के सामान बदलने हैं, संगत बदलनी है, सिस्टम बदलना है, सोच बदलना है, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। और ये मैं एक एग्जाम्पल नहीं, हमारे पास में ढेरों हजारों लाखों एग्जाम्पल है जिन्होंने की जिंदगी 360 डिग्री या और कोई डिग्री हो सकती है तो 360 डिग्री पूरा कंप्लीट 100% एंगल से बदली है। ऐसे सैकड़ों चेहरे में दिखा सकता हूं। और अब मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, अब आपकी ड्यूटी बच जाती है। अब मेरा मानना यह है कि आरसीएम जैसे प्रोडक्ट, आरसीएम जैसा सिस्टम, आरसीएम जैसी अप्लायंस, आरसीएम जैसी सारी बातें, आरसीएम जैसा विशाल नेटवर्क, आरसीएम जैसा विशाल सपोर्टिंग सिस्टम की बात, अब गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है लेकिन गरीब मर जाना अब गुनाह है। अगर आज कोई अब गरीब है तो वो अपने फैसले से गरीब है, वो अपने निर्णय से गरीब है, वो परिस्थितियों से गरीब नहीं है। भाई उसको सामान वो बदलता ही है, अब उसको बदलने हैं, संगत वो बदलता ही है, बदलनी है। और आरसीएम के पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल है, आप भी बदल सकते हैं।
और मैं अपनी आवाज सब तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि भारत को हम दुनिया में नंबर वन, केवल ना केवल हम डायरेक्ट सेलिंग में नंबर वन बने, हम दुनिया में नंबर वन है। और आज मुझे गर्व है, हम प्राउडली अनाउंस करते हैं कि नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग 22nd एनिवर्सरी, 22वीं एनिवर्सरी, जो कि हमारी सबसे बड़ी इवेंट होती है। ये बहुत गर्व की और फख्र की बात है कि हमारे पास 22 साल का एक्सपीरियंस है, एक प्राउडफुल एक्सपीरियंस है, जिसमें हमारे बाद आने वाली हजारों कंपनियों को हमने धोया है। और अब जब एनिवर्सरी जैसा मौका है तो हर साथी की ललक होती है, तो गोल सेटिंग यानी लक्ष्य बनाने पर, और लक्ष्य बनता हमारे यहाँ पर सितंबर का, क्योंकि सितंबर के बिजनेस की क्लोजिंग ही आपके एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में काउंट होती है। और इसके लिए मैं आज आपको निवेदन करूंगा कि रियल प्रॉपर एंड एक्यूरेट गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है आपका, रियल प्रॉपर एंड एक्यूरेट। देखो, ख्वाब तो सभी देखते हैं, हमें ख्वाब नहीं देखना है, अभी ख्वाब देखने का समय नहीं है, अभी गोल सेट करने का समय है आपको। और गोल सेटिंग को अगर आपने एक्यूरेटली प्रॉपरली कर लिया, तो गोल सेटिंग करने की, अचीव करने, सेट करके अचीव करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे गोल अचीव करने के आगे के कई दरवाजे खुल जाते हैं। एक महीने में मैंने 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाने का लक्ष्य लिया, उस प्रोसेस से मैं गुजरा, और उस प्रोसेस से गुजरने से जो कॉन्फिडेंस आता है, जो नॉलेज आती है, जो मतलब वो रिमार्केबल है। इसलिए आप अपना जो प्लान बनाए, प्रॉपर प्लान बनाए, प्रॉपर रोड मैप बनाए, प्रॉपर एक्शन प्लान बनाए, ताकि आपके सपने पूरे हो सके, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि केवल रिटन गोल, लिखित लक्ष्य ही पूरे होते हैं। जिस तरह से एक आर्किटेक्ट जो है अपनी, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, विशाल बिल्डिंग, यूनिक बिल्डिंग कैसी भी बनानी हो, उसका 100% चीज़ को पहले पेपर पर तैयार करता है और फिर बाद में वो एक्चुअल वर्किंग करता है। आपने भी अगर अपने गोल का रोड मैप अगर पेपर पे बना लिया और आपके लक्ष्य को पूरा करने में कंपनी का पूरा सिस्टम आपके साथ होता है, अपलाइन आपके साथ होते हैं, और हमारे पास में मतलब गर्व करने लायक कार्य योजना है, जिसमें की सोल का बहुत बड़ा रोल है, जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत गौरवपूर्ण तरीके से काम कर रही है। और 8 अगस्त को जिसकी तीसरी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करने वाले हम, गुड डोट हमारे पास एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो मैं समझता हूँ फूड ऑफ फ्यूचर कह सकता हूँ मैं उसको, मतलब आने वाले ज़माने का फूड, जिसकी घर घर को जरूरत रहेगी जैसे ही हम इसको कन्विंस कर पाएंगे। और हरित क्रांति, जो कि आज भारत कैसी कृषि प्रधान देश है, ऐसा यूनिक प्रोडक्ट सीरीज, और मतलब ये सभी कंपनी, और न्यूट्री चार्ज हमारे पास एक ऐसा यूनिक, जिसकी कि आज पूरे वक्त को मतलब आज पूरी दुनिया जानने लगी है कि सप्लीमेंट्स की, और न्यूट्री चार्ज की तरफ से जो सेल प्रमोशन के जो प्लान आते हैं वो लाजवाब होते हैं, उनका सपोर्टिंग सिस्टम लाजवाब होता है। और अभी आपके सामने वर्तमान में मतलब एक से एक मतलब बाइक, कार और घूमने के लिए बहुत बड़े अवसर, फॉरेन तक के, कपल तक के, और हमारे बीच में एक नया और यूनिक कंसेप्ट एक प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है गामा और इंदौर। और दोस्तों, मैंने गामा और इंदौर के वंडरफुल एक्सपीरियंस लिए हैं, वंडरफुल एक्सपीरियंस, मतलब ऐसे ऐसे लाजवाब किस्से मैं गामा और इंदौर के बारे में रोज सुनता हूँ, इतना रोमांचित होता हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को समर्पित कर दूँ गामा और इंदौर के नाम, क्योंकि ये लाखों 80 करोड़ लोगों को भारत में दवाइयाँ चलती है, और उन दवाइयों से छुटकारा दिलाने में जब ये मदद करता है, और जब ऐसी ऐसी लाजवाब स्टोरी जो मेडिकल साइंस में भी नहीं मिल पा रही थी वो जब स्टोरी सुनने को मिलती है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये तो चलो मेरी आंतरिक प्रेरणा है, लेकिन healthworld.com जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो कहती है कि न्यूट्रास्यूटिकल इन इंडिया द गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ये किस्मत की बाजी पलट कर सकता है अगर अपन ने। और ये केवल कोई साधारण प्राकृतिक उत्पाद नहीं, बल्कि ये चमत्कारिक न्यूट्रास्यूटिकल है, क्योंकि इसके बारे में जितना भी वैज्ञानिक अध्ययन चाहिए आपको, जितनी भी स्टडी चाहिए वो अवेलेबल होती है। हम इसके माध्यम से मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। माननीय हमारे TCG भी कहते हैं कि अकेला प्रोडक्ट पूरी कंपनी को चला सकता है। और इसको लेके मिशन 5 करोड़ को लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ, और यहाँ मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि ये एक यूनिक, जो दुनिया में कोई कंपनी, दुनिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को 5 करोड़ लोगों तक नहीं पहुँचा पाई, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को 5 करोड़ लोगों तक पहुँचा कर एक इतिहास बना सकते हैं, अपनी कामयाबी की नई दुनिया बना सकते हैं।
और भविष्य करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये हजारों बीमारियों का एक उपाय है। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट डॉक्टर्स अपने स्टेटमेंट आके हमारे प्लेटफॉर्म पे या एक प्लेटफॉर्म पे देते हैं। और मजे की बात ये है कि ये प्रोडक्ट, इतना यूनिक प्रोडक्ट भारत में पहली बार हमारे पास आया है, और मतलब हमारे पास आया है, मोनोपोली हमारे पास है, रिजल्ट हमारे पास है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो हम लोग इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अब मैंने आज तक अभी बात की आपके सामने वर्ल्ड लेवल की सिचुएशन की, इंडिया की सिचुएशन की, और आरसीएम के बारे में बात की। और अभी तो हमारे पास बहुत ब्रांड पार्टनर्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत बड़ी प्रोडक्ट की सीरीज है, हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास खजाने हैं, और हमारा फोकस पूरा हेल्थ के ऊपर रहता है, जो कि वर्तमान समय की मांग है। महिलाओं को एम्पावर करने के ऊपर हमारा बहुत अच्छा फोकस रहता है। न्यूट्रीचार्ज भी इस मामले में बहुत बढ़िया योजनाएं बनाता है। हरी संजीवनी की, गुड डॉट की भी खूब अच्छी योजनाएं इस एनिवर्सरी को लेकर आने वाली है। लेकिन मैं आज आपको ह्यूमन इंजीनियरिंग का जादू, जो शायद किसी किताबों में नहीं मिलता है, मैं चूंकि स्पिरिचुअल स्टूडेंट हूँ और जहाँ गॉडली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो जो मैंने गॉडली यूनिवर्सिटी से सीखा वो जादू आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और मैं आपको गारंटी कहता हूँ दोस्तों, अब का जो चैप्टर है, अब का जो अध्याय है, इस अध्याय को मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मेरा पिछले 22 साल का आरसीएम के साथ का एक्सपीरियंस है, और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मतलब कपड़े का व्यापारी था मैं और आज भी हूँ, लेकिन इस मास्टर की ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मतलब ये एक ऐसी मास्टर की जो मैं आज दुनिया के सामने उजागर कर रहा हूँ, भले ये शब्द तो मेरी जुबान से आपने पहले कभी सुने होंगे, लेकिन आज मैं उसको विश्लेषण दे रहा हूँ, आज मैं उसका डिटेल आपको दे रहा हूँ। और ये मास्टर की अगर आपने समझ ली और अप्लाई कर ली, तो किस्मत का दरवाजा खुलने की गारंटी है, गारंटी है। आपकी जिंदगी में जो भी ठहराव है, उस ठहराव को कामयाबी में बदलने की गारंटी है। और आपकी टीम में कहीं पर भी ठहराव है, तो वो, और वो भी बिना किसी इधर उधर की बातों से, पूरा सिंपली वैल्यू बेस्ड काम है। आपको भी चाहे आपको स्टेशन डेवलप करने हो, या किसी स्टेशन के बिजनेस को बड़ा करना हो, चाहे प्रोडक्ट को बड़ा करना हो, चाहे वाइटल लेवल्स को बड़ा करना हो, चाहे लीडर्स का डेवलपमेंट करना हो, चाहे वंडर वर्ल्ड का डेवलपमेंट करना हो, वंडर क्विक का डेवलपमेंट करना हो, और जो भी बात, जो भी पहलू, जो भी पॉइंट आपको ध्यान में आता है, चाहे परिवार का मैटर हो, कोई भी हो, नेक्स्ट फील्ड लेवल बदलना हो, सब में ये मास्टर की उसी तरीके से काम करती है और गारंटी के साथ काम करती है। उस मास्टर की का पहला शब्द है फोकस। दोस्तों इस शब्द को तो आपने बहुत बार सुना है, और मैंने बहुत लोगों की जुबान से सुना है, मेरा ये शब्द पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर तो हो गया है, लेकिन फोकस का मीनिंग शायद किसी ने नहीं समझा है। अगर आप दुनिया में किसी भी महान आदमी की तस्वीर देखते हैं, तो आप सिर्फ इतना सा देखें कि उसकी जिंदगी का फोकस कितना क्लियर था। TCG की जिंदगी का फोकस कितना क्लियर था कि वो इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। महात्मा गांधी का फोकस कितना क्लियर था, सचिन का फोकस कितना क्लियर था, हमारे माननीय मोदी जी का फोकस कितना क्लियर था, स्वामी विवेकानंद का। परेशानियां किसी के भी सामने आती है, चाहे चुनौतियां किसी के सामने आती है, लेकिन फोकस क्लियर होना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन आपका फोकस क्लियर हो जाएगा, प्रकृति माँ और कुदरत और ईश्वर आपके भीतर से वो खजाने प्रकट करेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं, हम लोग फोकस को जानते ही नहीं है। हमारा कोई फोकस होता ही नहीं है, हमारे को तो कोई भी किधर भी फोकस करवा देता है। मैं रोज देखता हूं कि एक मीटिंग होती है, एक मीटिंग में कोई आता है और वो बोलता है भाई आप तो डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब से ये हो जाएगा, वो गणित बताता है और आपको समझ में आता है और आप गणित जोड़ लेते हो और आप देखते हो कि मेरी टीम डायमंड क्लब करेगी तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका फोकस नहीं होता, वो उसके प्रभाव से आपने टीम का फोकस बना दिया। आपका ड्राइवर का फोकस क्लियर होना चाहिए। ये मतलब ये मैं केवल डायमंड क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे वो डिस्प्ले वाल की बात करें, कोई भी बात हो, आपका फोकस, इवन मैं कहूँ कि हर मीटिंग में आपका फोकस बदलता रहता है और जो जितना प्रभावशाली वक्ता आएगा वो आपके फोकस को बदलता रहेगा। फोकस, अगर आप किसी शब्द को समझना चाहते हो, ये वैसे तो लाइफ का होता है फोकस, मिनिमम 6। मेरा फोकस क्लियर है, मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि पहली प्रायोरिटी पे मेरे कौन है, और दूसरी पे कौन है, तीसरी पे कौन है, चौथी पे कौन है, पांचवी पे कौन है, वहीं से उसको शिफ्ट नहीं करता हूं मैं।
आप लोग क्योंकि बात सुनता हूं, हाँ करता हूं, कुछ भी करता हूं, लेकिन आपका फोकस आपने क्लियर कर दिया तो जीवन के रूपांतरण की और आपके भीतर के यूनिक खजानों के प्रकट होने की गारंटी मैं ले लेता हूं। मैं प्रहलाद जी से बहुत प्रभावित हूँ, उनका भी फोकस एकदम क्लियर रहता है, वो कभी इधर उधर की भाई, आप अगर सबसे प्रभावित हो रहे हो इसका मतलब आपका खुद का कोई फोकस ही नहीं है। और फोकस की सही परिभाषा है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं हो जाते हो तब तक आपका उस काम के लिए फॉलो अप चाहिए। बल्कि इसको ऐसे कहना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात के लिए प्रोग्राम्ड हो जाना चाहिए कि जिस भी काम को शुरू करना है उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है, या बल्कि इसको ऐसे कहते हैं उसी काम को शुरू करना है जिसको मंजिल तक पहुंचाना है, बाकी को शुरू ही नहीं करना है, काई को वेस्टेज करना है। हमारे ईश्वरीय ज्ञान में एक बात समझाते हैं और अभी साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी की है कि 92% थॉट जो है वो दुनिया के वेस्ट थॉट होते हैं, वो फालतू थॉट होते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता है, उनके सोचने की जरूरत ही नहीं होती, केवल 8%। ऐसे ही वो तो चलो वैज्ञानिक प्रयोग था, लेकिन आप अगर चेक करेंगे तो आपने पता नहीं कितने काम शुरू किए, उनमें से किसी भी काम को मंजिल पर नहीं पहुंचाया, किसी भी काम को मंजिल पर नहीं पहुंचाया, जो कुछ पहुंचा अपने आप पहुंचा, या ये क्योंकि आपका फोकस क्लियर नहीं है। मैं यहां आपको कोई उलाना नहीं देना चाहता हूं, लेकिन फोकस, मैं आज आपको टेक्निक, आपको स्टेशन डेवलप करने हैं।